अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मॉम्स किचन। कैसे हो आप सब? आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कीमे के समोसे, जो बहुत ही टेस्टी और यमी बनते हैं, जो घर पर सबको पसंद आते हैं। तो आज हम वो बनाएंगे। तो इधर मैंने ले लिया है 3 टेबलस्पून ऑयल, फिर उसमें ऐड किया है 250 ग्राम कीमा, मटन कीमा, और फिर इसमें ऐड किया है 1 टीस्पून जिंजर एंड गार्लिक पेस्ट एंड 1 टीस्पून सॉल्ट। उसे अच्छे से मिक्स करेंगे। फिर देखिए, कीमे को अच्छे से स्लो फ्लेम पर भून लेना है। जब इसमें से वाटर रिलीज़ होने लगे तो फिर हम इसमें मसाले ऐड करेंगे, जो कि कुछ यूँ है। 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर, फिर ऐड करेंगे 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर एंड 1 टेबलस्पून कोरिएंडर पाउडर, और आखिर में हम ऐड करेंगे 1 टीस्पून गरम मसाला। और सारे मसाले को अच्छे से भून लेंगे 4 to 5 मिनट्स के लिए। और देखें, जब कीमे में से ऑयल रिलीज़ होने लगे तो फिर हम इसमें ऐड करेंगे ग्रीन चिलीज़। मैंने इधर 4 ग्रीन चिलीज़ ऐड किए, आप आपके टेस्ट के हिसाब से ऐड कर सकते हो। ये देखें, कीमा परफेक्टली रेडी है। तो हम फ्लेम को ऑफ़ करेंगे और थोड़ी देर इसे ठंडा होने देंगे। ठंडा हो जाए तो फिर हम इसे ऐड करेंगे ऑनियन में, जो मैंने फाइनली चॉप किए 150 ग्राम्स है, तो कीमा उसमें ऐड कर लेंगे। और अब हम इसमें ऐड करेंगे फुदीना और हरा धनिया, जो कि 50 ग्राम्स है, जो मैंने अच्छे से फाइनली चॉप कर दिया है, वो उसमें ऐड कर लेंगे। अब हम सारी चीज़ों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और ये ध्यान रखना है कि जो ऑनियन और कोरिएंडर लीव्स और मिंट लीव्स लिए, उसमें थोड़ा सा भी पानी नहीं होना चाहिए। तो ऑनियन को अच्छे से कट करके फिर से स्क्वीज़ कर लेना है, और वैसे ही सेम कोरिएंडर लीव्स और मिंट लीव्स को भी ऐसे ही स्क्वीज़ कर देना है, और फिर उसमें ऐड करेंगे कीमा। और देखा, अच्छे से मैंने मिक्स कर लिया है। अब इसमें ऐड किया है थोड़ा सा सॉल्ट और थोड़ा सा गरम मसाला, और फिर दोबारा से मिक्स कर लिया है। अब हम मिक्सचर को स्मोकी फ्लेवर देंगे। तो उसके लिए हमने ले लिया है कोयला, उसे फ्लेम पर रख देंगे 2 to 3 मिनट्स के लिए गरम होने। जब अच्छे से गरम हो जाए तो मिक्सचर के सेंटर में स्पेस करेंगे और बाउल रखेंगे, और जो हमारा कोयला था वो रखना है, उसमें ऑयल ऐड करेंगे और फिर उसे कवर कर लेंगे 4 to 5 मिनट्स के लिए। अब फ्लेवर अच्छे से मिक्सचर में चला गया है तो बाउल को निकाल लेंगे और सारी चीज़ों को दोबारा से मिक्स कर लेंगे। समोसे की फिलिंग अच्छे से रेडी है, तो चलो अब शुरू करते हैं समोसे बनाना। 1 स्पून फिलिंग लेंगे समोसे की और उसे रोटी के ऊपर रख देंगे, और फिर इसे इस तरह रैप करेंगे। समोसे खुल ना जाए तो उसके लिए मैंने ये स्लरी बना दिए व्हीट फ्लोर और पानी लेकर। तो इधर एजिस पर लगा लेंगे और फिर इसे अच्छे से स्टिक कर लेंगे। इसी तरह हम सारे समोसे बना लेंगे। देखें, सारे समोसे अच्छे से फोल्ड हो गए। तब टाइम है इसे फ्राई करने का। मीडियम फ्लेम पर फ्राई कर लेंगे, और जब गोल्डन ब्राउन हो जाए तो इसे निकाल लेंगे। ये देखें, हमारे कीमे समोसे रेडी है। दिखने में बड़े ही यमी और टेस्टी लग रहे हैं, तो चले ट्राई करके आपको बताती हूँ। ट्रस्ट मी गाइज, ये बहुत ही टेस्टी बने थे। आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई रेसिपीज़।